हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने फेस वॉश का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल हर्बल है, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और जिस फेस वॉश का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ वो है हिमालया बायोटिक का और पतंजलि का, जो मैंने खुद यूज कर रखा है, तो मैं वो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है हिमालया का नीम फेस वॉश। तो इसे भी आप ठंड में यूज कर सकते हो, या जिन लोगों को पिंपल रहती है ना फेस पे, जो लड़की होती है, बहुत सारे आजकल स्टूडेंट होते हैं जिनके छोटे छोटे पिंपल आने लगते हैं, तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे उनका स्किन पे जो पिंपल है वो बहुत ही अच्छा से कम होगा, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो ये हिमालया का है और बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। तो इसे भी मैंने यूज किया और इसमें कोई भी केमिकल नहीं था, लेकिन ठंड में मुझे मैं अपने फेस पे अब दूसरा ये फेस वॉश यूज करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा यूज करती हूँ। तो ये हिमालया का है और ये बायोटिक का फेस वॉश है, जो फ्रूट्स फेस वॉश है और ऑल स्किन टाइप है। हिमालय वाला भी ऑल स्किन टाइप है और जो बायोटिक का है ये भी ऑल स्किन टाइप है। देखिए, ये फेस वॉश है, फ्रूट्स का है ये, लेकिन ना ठंड में ये बहुत ज्यादा थोड़ा स्किन को ड्राई कर देता है, क्योंकि जब अभी आप देख रहे हैं इसमें पूरा भरा हुआ ही है। मैं ये लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही ठंड स्टार्ट हुआ, मैं इससे फेस वॉश जब करती हूँ तो मेरा स्किन बहुत ड्राई हो जा रहा है। तो जिन लोगों का ऑयली स्किन है वो इस फेस वॉश को यूज कर सकते हैं। ऐसे तो ये दिया हुआ कि ऑल स्किन टाइप है, लेकिन मुझे ये ड्राई लगा, क्योंकि मैंने जब इससे फेस वॉश किया तो मेरे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया था, बिल्कुल फटाफटा सा स्किन हो रहा था। तो मैंने इसे छोड़ दिया है कि गर्मी में फिर से यूज करूंगी। लेकिन जिन लोगों का ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा उनका चिपचिपा सा फेस रहता है, वो इसे यूज कर सकते हैं। तो वो इसे अगर यूज करेंगे तो उनका जो स्किन है वो ड्राई रहेगा, ऐसे पूरा सॉफ्ट हो जाता है जब आप इसे यूज करते हो, लगाते हो। और बायोटिक का एक और फेस वॉश है, जैसे ये वाला, तो ये पपाया फेस वॉश है, लेकिन इसमें ना स्क्रब दिया हुआ है। ये भी ऑल स्किन टाइप है, लेकिन इसमें छोटा छोटा सा स्क्रब है, जो छोटा छोटा सा दाने हैं इसमें, जो पपाया वाला है। तो अगर आप इससे करते हो ना, तो ये भी मैंने यूज किया, ये बिल्कुल खत्म ही है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसमें छोटे छोटे से दाने हैं, अगर आप इसे यूज कर रहे हो, और जिन लोगों का सेंसिटिव स्किन है, जिसको बहुत जल्दी कुछ सूट नहीं करता, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्क्रब दिया हुआ है ना, उससे आपका फेस छिल सा जाता है। क्योंकि मैंने इससे भी यूज किया, तो इससे जब मैं फेस वॉश करती थी ना, तो मेरा स्किन ना शुरू में तो पता नहीं चला, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट लगता था स्किन में। जब फेस वॉश करते तो बहुत ही अच्छा आपके फेस पे लगता है कि सॉफ्ट सा लग रहा था एकदम बिल्कुल, और एक ग्लो भी आ रहा था फेस पे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे मैं करते चली गई, मैंने छोड़ा नहीं, मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन एक सप्ताह दो सप्ताह के बाद मैंने देखा तो मेरे फेस पे हल्का हल्का सा, जैसे होता ना छिला सा जाता है, छिल सा जाता है, स्किन निकलने लगता, उस टाइप का इससे हो गया, क्योंकि इसमें ना स्क्रब दिया हुआ। तो जिन लोगों को स्क्रब सूट नहीं करता, उसके लिए ये बायोटिक का जो पपाया फेस वॉश है वो ठीक नहीं है। स्किन आपका ग्लो तो कर देगा, लेकिन इसमें ना स्किन आपका फटता है। जिनको स्क्रब सूट नहीं करता उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन जिनके फेस पे बहुत ज्यादा डल स्किन है, बहुत खराब सा हो गया है, और वो स्क्रब करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें एकदम बिल्कुल बारीक स्क्रब है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके फेस वॉश के साथ आप सुबह शाम उसे स्क्रब कर सकते हो अपने फेस को। तो जो लोग स्क्रब करते हैं वो इस फेस वॉश को यूज कर सकते हैं, उसको अलग से उनको स्क्रब लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में स्क्रब दिया हुआ है और उनके लिए ये ठीक है। लेकिन जिनको स्क्रब सूट नहीं करता उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये है बायोटिक का स्क्रब वाला है, जो पपाया है, और ये फ्रूट्स वाला है, जो ये भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। तो मैं इसे भी अभी यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो हिमालया का जो मैंने बताया, ये आप हिमालया का ठंड में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा होता है ठंड के लिए भी, गर्मी के लिए भी। और ये है पतंजलि का फेस वॉश है, ये देखिए, ये भी ऑल स्किन टाइप है, हर कोई इसे यूज कर सकता है। और इसमें ना एक दूसरा ही तरह का ये रहता है, जैसे टेक्सचर है इसका, ये बहुत थिक है और क्रीम के फेम में है ये बिल्कुल भी। और ये सब है जो जेल है, पतला है, और ये बिल्कुल क्रीम की तरह, जैसे कोई क्रीम होता है ना बिल्कुल इस तरीके का, देखिए क्रीम की तरह है इसका, ये इसे बिल्कुल क्रीम की तरह है। इसे निकालिएगा, पानी में मिलाइएगा, फिर फेम होगा। और जो मैंने ये सब दिखाया, बायोटिक का हो, हिमालया का हो, वो सब बिल्कुल भी इस तरह का है, बिल्कुल पतला सा जेल टाइप का, ये देखिए बिल्कुल पानी सा जैसे इस तरह का निकल रहा है, इस टाइप का है। तो ये बिल्कुल हल्का है, पतला है, और जो पतंजलि वाला है ये बिल्कुल क्रीम जैसा। ठंड के लिए मुझे पतंजलि का ये जो फेस वॉश है ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप इसे ठंड में यूज करते हो ना, तो जो जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता वो नहीं होगा,
तो मैं इसे छोटा लेकर आई थी, पहले मैं इसे यूज करती थी अगले ठंड में, तो बड़ा सा ले रखा था, लेकिन जब मैंने ये सब यूज किया फेस वॉश, मेरा फेस फटने लगा, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगा, तो फिर से मैं पतंजलि का ये लेकर आई हूँ, क्योंकि ये क्रीम के तरह है बिल्कुल भी, और ठंड में आपका स्किन इससे ज्यादा फटता नहीं है, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। तो ठंड में अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छा सा फेस वॉश आप यूज करो, तो आप ये कर सकते हो पतंजलि का, जो ऑल स्किन टाइप है, सौंदर्य फेस वॉश है ये, तो इसे आप यूज करके देखें तो ठंड के लिए बहुत ही अच्छा, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा मेरे फेस के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि हर किसी का स्किन अलग अलग होता है, तो उनके फेस पे अलग अलग फेस वॉश ही मतलब सूट करता है, लेकिन मुझे ये पतंजलि वाला अच्छा सूट किया, तो मैं इसे यूज करती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपके सामने चार फेस वॉश का रिव्यू लेकर आई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और कोई भी प्रोडक्ट का जो रिव्यू मैं बताती हूँ, मैं खुद यूज कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।